तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रीवा और सतना हाईवे के बीच स्थित भेला में कार सवार अज्ञात बदमाशों ने ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना बीती रात तकरीबन 1 बजे बेला स्थित चौबे ढाबा की बताई जा रही है, जहां खाना खाने पहुंचे बदमाशों ने ढाबा संचालक को ही गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोलीकांड से पहले ढाबे के सामने कार सवारों और ट्रक चालक के बीच विवाद में ढाबा संचालक ने बीच बचाव किया था, जिसके कुछ ही देर बाद कार सवार दोबारा ढाबा पहुंचे और संचालक को गोली मार दी। देर रात हुई इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, तो वहीं रीवा से पहुंची एफएसएल टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं सतना जिले से, जहां रीवा सतना स्थित हाईवे मार्ग पर संचालित ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना से जुड़ी जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि बेला में संचालित चौबे ढाबा के सामने ट्रक चालक व कार सवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। ट्रक और कार सवारों के बीच हुए विवाद के दौरान ढाबा संचालक आनंद चतुर्वेदी सहित उनके कर्मचारियों ने बीच बचाव किया था, और बताया गया है कि रात तकरीबन 11 बजे उस घटना के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद कार सवार दो युवक एक बार फिर ढाबा पहुंचे और खाना मांगते हुए संचालक आनंद चतुर्वेदी के सर पर गोली मार दी। बताया गया है कि आरोपियों ने एक कर्मचारी को भी गोली मारने का प्रयास किया, जो भागते हुए बेला पुलिस चौकी जा पहुंचा और पुलिस को घटना से अवगत कराया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए आज सुबह रीवा से एफएसएल टीम को बुलाया और कार सवार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां रीवा और सतना हाईवे के बीच स्थित बेला में कार सवार अज्ञात बदमाशों ने ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रीवा और सतना स्थित बेला स्थित ढाबे में ढाबा संचालक को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। ढाबे में देर रात हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद अब इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल कार सवार बदमाशों की पहचान नहीं की जा सकी है। मेरा नाम फरजय किशन शर्मा। जी सर, मैं वहाँ रहा, ढाबे में रहा, वो मेरे बगल से मतलब भट्टी तंदूर भट्टी में खड़ा रहा, मैं फ्राई पैन भट्टी में खड़ा रहा। वो लोग आए हैं पैदल ही रहते, 2 लोग मुंह बांधे थे, आए तो पहले खाना पूछते हैं, इस टीवी की जगह पे खड़े होकर पूछते हैं भैया खाना है, तो मैं बोला दाल है सेव टमाटर मिल जाएगी आपको, तो कहते हैं नहीं खाना। अब निकाले यहाँ से बंदूक और डायरेक्ट मुझके ऊपर फायर कर दिए लड़के को जो आगे खड़ा था। क्या नाम है? उसका नाम है, उसका नाम तो फर्मा जत आनंद चतुर्वेदी। क्यों मारे? कोई सर झगड़ा हुआ था फार्म के टाइम में, एक गाड़ी खड़ी थी 11 बजे रात के यहाँ पास डंपर, तो डंपर वाले से वो लोग यहाँ से पीखा के आए हैं 4-5 लोग, डंपर वाले से पता नहीं क्या उनकी खटापिटी हुई, तो डंपर वाला आके हमारे सेठ को बोलता है, बोलता भैया आपके दरवाजे में खड़े हैं लोग, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फेट हमारा गए समझाने, फेट ऐसे लपट पड़े हैं वो लोग 5 लोग। तो फिर हम लोग यहाँ से कर्मचारी लोग गए वहाँ, तो छुड़वाए उड़वाए तो लोग चले गए उतनी टाइम, फिर रात के यही तो लोग आए सर मुँह बांधे थे, वो लोग 2 लोग थे सर। काहे में थे? गाड़ी में थे सर, पैदल आए हैं यहाँ जी, मुँह में नकाब बांधे थे यहाँ से, यहाँ दोनों रुमाल। सर जैसे गोली चली है वहाँ से भाग दिया हूँ घूम के, मतलब वहाँ खड़ा रहा हूँ उसके पीछे खड़ा रहा, तो वहाँ से घूम के ऐसे भागा हूँ भट्टी के पीछे पीछे आके यहाँ से निकल लिया हूँ सर मैं। आपके ऊपर सर तो उसको मार के गिरा दिए, तो मेरे तरफ भी दौड़ा, तो मैंने उसके भट्टी के नीचे होके
इसके भट्टी के आड़ो आड़ से बहुत स्पीड में निकल के यहाँ से भाग दिया, तो मेरे को भी मार रही, इसलिए मेरे को वो लगा डर तो मैं भाग गया। फिर इतने में मैं वहाँ पीछे रहा, पीछे चौकी चला गया और चौकी से मतलब उनके साथ भैया के साथ या पुलिस वाले भैया के साथ यहाँ आया ढाबा। आपका नाम? मेरा नाम है जयकिशन शर्मा, कटनी लखापतेरी गांव है मेरा। यहाँ कहाँ रहते? इधर मिस्त्री का काम करता हूँ।